शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक्टर के लुक से लेकर एक्शन तक की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच फैंस ने ट्रेलर में कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे वो समीर वानखेड़े से जोड़ रहे हैं। दरअसल ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। लोग इस डायलॉग को मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े से जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा, समीर वानखेड़े वही शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया था। आइए देखते हैं इस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, समीर वानखेड़े के लिए चेतावनी है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वहीं एक ने लिखा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, हमको पता है किसकी ओर ये इशारा है। वहीं एक ने लिखा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एसआरके ने जवान के जरिए समीर वानखेड़े और दिल्ली में उनके आकाओं को स्पष्ट निर्देश दिया है। वहीं एक ने लिखा, समीर वानखेड़े शाम तक ट्विटर पर ट्रेंड कर सकता है। वहीं एक ने लिखा, ये बोला किसके लिए है इसने। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। उस समय किंग खान जवान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बाद में इस केस में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई और समीर इस समय 25 करोड़ रुपए की घुसखोरी के केस का सामना कर रहे हैं। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।